सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 41, 42, 43, 44, 45 और आकलन 8 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 41 पहला है। इसमें घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण व सरल कोण लिखिए। अब देखिए, हम समझाते हैं आपको न्यून कोण क्या होता है। जो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम न्यून कोण, सम कोण होगा 90 डिग्री का, अधिक कोण होगा 90 से ज़्यादा, और सरल कोण होगा 180 डिग्री का। अब इसमें हम डिग्री देखेंगे। देखिए पहला, इसमें हमें चंदे की सहायता से 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ चंदा रखेंगे 90 डिग्री, तो ये होगा समकोण। 90 से कम है ये, यह देखिए, ये है लगभग 40 डिग्री का न्यून कोण, 90 से ज़्यादा अधिक कोण, 180 डिग्री ये होगा सरल कोण, 90 से कम है न्यून कोण, 90 से ज़्यादा अधिक कोण, सरल कोण 180 डिग्री का, 90 से ज़्यादा अधिक कोण, 90 डिग्री सम कोण। ये था कार्यपत्रक 41। कार्यपत्रक 42 का हल देखते हैं। कार्यपत्रक 42, चित्र में दर्शाए गए कोण की माप डिग्री में लिखें। इसमें देखिए चांदे में हमें दिख रहा है, यहाँ जा रहा है 70 पे, ये कोण बन रहा है 70 डिग्री, यहाँ लिख रखा है माप 70 डिग्री। इसमें देखिए ये कोण जा रहा है यहाँ 90 पे, तो इसका नाप होगा 90 डिग्री। अगला है, इस चांदे में हमें दिख रहा है ये कोण जा रहा है 50 पर, तो ये होगा 50, ऊपर बिंदी लग जाएगी डिग्री की, 50 डिग्री। ये कोण बन रहा है, यहाँ से हम नापेंगे चांदे की सहायता से 130 और 140 के बीच 135 डिग्री। इसमें नापने का ये है, जिधर से ये नीचे वाली लाइन चालू आ रही है और ये है, उधर का जीरो से देखेंगे अपन। इसमें इधर भी जीरो है, नीचे वाली लाइन को देखते हम, यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर का जीरो से देखेंगे अपन 135 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोण को माप कर लिखिए। इस कोण को हमने नापा तो ये बन रहा है लगभग 60 डिग्री, यहाँ लिखा 60, ये है 110 और 20 के बीच 115 डिग्री, ये है समकोण 90 डिग्री। आप भी नापना आपके लिख सकते हैं इनको। तीसरा है, दिए गए कोण को चांदे की सहायता से बनाइए 40 डिग्री, यहाँ चांदे की सहायता से हम मापेंगे और जहाँ 40 आएगा वहाँ बिंदी लगाई और एक सीधी लाइन खींच लेंगे 40 डिग्री, यह है 75 डिग्री। 75 पर हमने लाइन डाली, यहाँ बिंदी लगाई और यहाँ से सीधी लाइन इसको और नीचे वाले बिंदु को दोनों को मिला लिया 75 डिग्री, यह बनेगा यहाँ 100 डिग्री। यह था कार्यपत्रक 42। अब हम देखते हैं आकलन 8 का हल। आकलन 8, घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्या का समूह है। तो इसमें फलक तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फलक, शीर्ष यानी कोने, इसमें कोने होंगे 8। दूसरा है, आयत में भुजाओं एवं शीर्षों कोनों की संख्या लिखें। आयत में भुजाएं हैं 4 और कोने भी हैं 4। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कोण में से न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा ये 90 डिग्री से कम, बाकी ये समकोण है, ये अधिक कोण है, ये सरल कोण है, न्यून कोण ये, इसमें राइट लगाएं। समकोण की माप होती है 90 डिग्री, 90 में राइट लगाएं। पांचवा प्रश्न है,
रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वृक की भुजाओं की संख्या, भुजाएं होगी वृक में चार, यहाँ चार में राइट करें और यहाँ चार वर्ण है। छह समान आकार की स्तों से मिलकर बने बंद डिब्बे समान आकार की बनेगी तो बनेगा घन। ईंट की प्रत्येक सतह पृष्ठ कैसी दिखती हैं, आयत जैसी दिखेगी। चौथा प्रश्न है सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या पांच होती है। छठा है सत्य है सत्य कथन छाटिए। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे सत्य। आयत की सभी भुजाएं समान माप होती हैं गलत है असत्य। अधिक कोण का माप जीरो से अधिक एवं निब्बे से कम होता है ये भी असत्य है। अधिक कोण का माप निब्बे से अधिक होगा। सरल कोण रिज्जु कोण की माप 180 होती है ये सत्य है। सातवां प्रश्न चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप मापकरण की डिग्री लिखिए। इसको मापा हमने यहाँ रखा चांदा ये है 60 डिग्री यहाँ लिखा हमने 60। दूसरा है यहाँ देखिए 120 का इसका लिखा हमने 120 डिग्री। ये था आकलन 8। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 43। कार्यपत्रक 43 मिलान करें। 200 सेंटीमीटर को मिलाना है 200 सेंटीमीटर में होंगे 2000 मिलीमीटर 2000 सेंटीमीटर में होंगे यहाँ 20 मीटर 7 मीटर में होंगे 700 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में यहाँ ऊपर मिलाएं 10 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर में होगा 1 मीटर। प्रश्न नंबर 2 नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। 300 सेमी में होंगे 3 मीटर 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर 6300 मीटर में 6.3 6300 मीटर में 6.3 किलोमीटर 6 किलोमीटर में होगा 6000 मीटर 60 मिलीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर का मतलब 720 मिलीमीटर 960 mm का मतलब 9600 सेंटीमीटर 8400 मीटर का मतलब 8.4 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित सारणी पूरी कीजिए। 36 मीटर 14 सेमी 36.14 मीटर 3600 14 सेंटीमीटर होगा। 98 मीटर 98 सेंटीमीटर ये होगा 98.98 मीटर 9898 सेंटीमीटर। 16 मीटर 24 सेंटीमीटर होगा 16.24 मीटर 1624 सेंटीमीटर। 49 सेमी 8 मिलीमीटर होगा 49.8 सेंटीमीटर 498 मिलीलीटर। 28 सेमी 7 मिली ये होगा 28.7 सेमी 287 मिलीमीटर। 25 सेमी 2 मिलीमीटर होगा 25.2 सेंटीमीटर 252 मिलीमीटर। 15 मीटर 7 सेंटीमीटर होगा 15.7 मीटर 157 सेंटीमीटर। यथा कार्यपत्रक 43। कार्यपत्रक 44 बार की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। मिलान करें 2 किलोग्राम को मिलाना है हमें 2000 ग्राम से। 7000 ग्राम में होंगे 7 किलोग्राम। 2350 ग्राम में होंगे 2 किलोग्राम और 350 ग्राम। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम में होंगे 3 किलोग्राम 4000 ग्राम में होंगे 4 किलोग्राम 26 किलोग्राम 14 ग्राम में होंगे 2614 ग्राम 6125 ग्राम में होंगे 6.125 किलोग्राम 3 किलोग्राम में होंगे 3000 ग्राम 3250 ग्राम में होंगे 3.250 केजी 2 क्विंटल में होंगे 200 किलोग्राम 500 किलोग्राम में होगा 5 क्विंटल।
ये था कार्यपत्रक 44, कार्यपत्रक 45 देखेंगे। कार्यपत्रक 45 मिलान कीजिए। ए 3 लीटर 725 मिलीलीटर, इसमें होगा 3725 मिलीलीटर चौथा, इसमें मिलाएं। 30 लीटर 725 मिलीलीटर, इसको मिलाना है 30.725 लीटर से। सी है 8.685 लीटर, इसको मिलाना है 8685 मिलीलीटर से। 80685 मिलीलीटर को मिलाना है 80.685 लीटर से। 1.450 लीटर को मिलाना है 1 लीटर 450 मिलीलीटर से। 14,500 मिलीलीटर को मिलाना है 14.500 लीटर से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करें। 1 लीटर 500 मिलीलीटर, इसमें होगा 1.5 लीटर। 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर हो गए, 2 लीटर और 500 मिलीलीटर 2,500 मिलीलीटर। 500 और 500 1 लीटर और 200 मिलीलीटर 1.2 लीटर। 1 लीटर 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर 1,250 मिलीलीटर। यह था कार्यपत्रक 41, कार्यपत्रक 42, कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 44, कार्यपत्रक 45 और आकलन 8 का हल। इस प्रकार सभी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।